भूत पिशाच और चुड़ैल के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिसे वो हमको दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि भगवान को तो बहुत मानता था, लेकिन वो भूत पिशाच इन सब के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करता था। और ये घटना अखिल के साथ उस वक्त हुआ था जब वो भगवान शिव के शिवलिंग पर पानी ढलाने गया था। तो मैं आगे की कहानी अखिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने में आपको भी थोड़ा अच्छा लगे। मेरा नाम है अखिल और मैं भगवान शिव को बहुत मानता हूँ, क्योंकि जब मेरी माँ बीमार थी तो मैंने भगवान शिव से प्रार्थना किया था कि वो मेरी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दें। और असल में हुआ भी ऐसा, मेरी माँ बहुत जल्द ठीक हो गई और इसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी परेशान थे कि जिस बीमारी को ठीक होने में 3 महीने लग जाते हैं, वो बीमारी 1 महीने में ही कैसे ठीक हो गया। और शायद यही भगवान शिव का कृपा था जो मेरी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दिए। सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था और फिर आया सावन का महीना। सावन के महीने में हम सारे दोस्त मिलकर हमारे गांव से 22 किलोमीटर दूर एक नदी में जाते थे और उस नदी से पानी लेकर हमारे गांव पर मौजूद मंदिर पर जाते थे और शिवलिंग के ऊपर पानी ढलाते थे। और लोगों का मानना है कि ऐसा करने से हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। हर बार की तरह साल 2018 में मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर कावर लेकर निकल पड़े बोलबम जाने के लिए। उस समय करीब रात के 10 बज रहे थे और हम सब चलते हुए जा रहे थे। रास्ते पर बहुत बड़ा बड़ा जंगल पड़ता था जिसे क्रॉस करके दूसरे तरफ जाना होता है। कुछ दूर जाने के बाद मैं घड़ी की तरफ देखने लगा तो घड़ी पर 11 बज रहे थे। उसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन तभी मेरा एक दोस्त आगे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, अरे वो देखो, आगे कोई बहुत तेजी से जा रहा है। तभी मेरा नज़र आगे की तरफ गया तो मैंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी अपने हाथ पर कावर लेकर बहुत तेजी से जा रहा है। पहले मुझे लगा कि वो आदमी हड़बड़ी में होगा इसलिए वो तेजी से भाग रहा है, लेकिन जब मैंने उसके पैरों के ऊपर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि उसका तो पैर ही उल्टा है। और ये नज़ारा देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और मैंने सारे दोस्तों को भी ये बात बताया तो मेरे सारे दोस्त भी ये नज़ारा देखकर थोड़ा डर गए थे। अब हम लोगों का आगे जाने का हिम्मत नहीं था, लेकिन फिर भी हम डरे सहमे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से अचानक से गायब हो गया। हम सभी उस आदमी को इधर उधर देखने लगे, लेकिन वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद हमने चैन की सांस ली और आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक से मेरा नज़र पीछे की तरफ गया तो मैंने देखा कि हमारे पीछे वही भूत था जो कि थोड़ी देर पहले ही हमारे आगे कावर लेकर जा रहा था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने चाकू से उसके चेहरे को फाड़ दिया हो और उसके कटे हुए हिस्से से बहुत ज़्यादा खून नीचे गिर रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा था और मेरे सारे दोस्त भी ये मंजर देखकर पूरा सुन हो गए थे। तभी वो भूत अचानक से हमारे सामने आ गया और आगे बढ़ने लगा तेजी से। इससे हम सब काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि क्यों इस भूत ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। कुछ देर के बाद ही हम लोग उस नदी के किनारे पर पहुंच गए और पानी लेकर जल्दी से आ गए। हम सारे दोस्त बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि वो भूत दोबारा न दिख जाए, लेकिन वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया।
उसके बाद हम सभी गांव के मंदिर में जाकर पानी ढला दिए और चुपचाप घर चले गए। और सुबह के 8 बजे के करीब हमको ये पता चला कि जंगल पर एक आदमी को किसी ने जान से मारकर पेड़ पर टांग दिया है। और ये खबर सुनकर हमको यकीन हो गया था कि कल रात को हमने जिस भूत को देखा था वो भूत इस मरे हुए व्यक्ति का आत्मा था, क्योंकि इस व्यक्ति के चेहरे को भी किसी ने पूरा चाकू से काट दिया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और स्केरी स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।